पांच सूत्रीय मांग को लेकर पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के नेतृत्व में पटरी व्यवसायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने बताया कि पटरी व्यवसायी कई सालों से महानगर में अपना ठेला रोजगार करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए पटरी व्यवसायी संघ सिटी मजिस्ट्रेट से मांग करता है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा गरीब पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न शोषण बंद किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, कर्नल के ऊपर कार्रवाई करो, कर्नल के ऊपर कार्रवाई करो, पटरी व्यवसायी संघ जिंदाबाद, पटरी व्यवसायी संघ जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आज तो हद ये हो गया कि पटरी व्यवसायियों का ठेला तक जो है इन्होंने कह दिया कि अगर नहीं होगा तो हम आप लोगों का जब्त कर लिए, ठेला जब्त कर लिए। हमारा आज प्रशासन शासन से यही मांग है कि पटरी व्यवसायियों का जब लगातार वेंडर कमेटी में तय हुआ है कि पटरी व्यवसायी की जब तक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी तब तक पटरी व्यवसायियों को नहीं हटाया जाएगा, ये निरंतर तीन साल चार साल पाँच साल से हो रहा है। क्यों नगर निगम इस तरीके से रवैया कर रही है, क्यों पटरी व्यवसायियों को उत्पीड़न कर रही है? या तो हमारी पहले व्यवस्थित व्यवस्था हो, इसके बाद हमको सम्मानपूर्वक हटाया जाए, तब तक हमारा उत्पीड़न करने का किसी का अधिकार नगर निगम का नहीं बनता। जब तय नहीं है, या तो तय ना करें या तो वेंडर कमेटी ये लोग भंग कर दें, उसका कोई मतलब नहीं है। जब सारे अधिकारी बैठ के एक तय करते हैं, उसी को जो है एक नॉर्मल व्यक्ति नगर निगम का आकर के जब उस तरीके से बताएं, अधिकारी का कार्रवाई सही है, कर्नल बोलना कर रहे हैं वो सही है। हम आपसे ये जो है निवेदन के साथ ये बताना चाहते हैं और आपसे आशा करते हैं कि इस पे कठोर कदम गंभीरता पूर्वक लेते हुए, इनकी स्थिति खराब होती है, इनके ठेले जब्त करने का मतलब क्या है? एक बार अगर इनका ठेला जब्त हो गया तो समझ लीजिए महीने भर पीछे जाते हैं, इनका 10,000-20,000 रुपये तुरंत नुकसान हो जाता है। फिर इनको उसी तरीके से जो है फिर दोबारे तरीके से करना, एक तो कोरोना काल में वैसे ही ये पीड़ित हैं। सारे लोग प्रयास ये करते हैं कि पटरी व्यवसायियों का सुचारू रूप से व्यवस्था चले, तो फिर ये कहाँ से कर्नल साहब आ जाते हैं? हम चाहते हैं कर्नल के खिलाफ कठोर कार्रवाई, एक कदम गंभीरतापूर्वक उठाया जाए कि भाई इस तरीके से पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न ना किया जाए। सुधीर कुमार झा, पटरी व्यवसाय संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरे शहर में पटरी व्यवसायियों का निरंतर नगर निगम उत्पीड़न कर रहा है, पुलिस प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है। आज उत्पीड़न का हर सीमा पार हो गया। गोल घर में पटरी व्यवसायियों का ठेला कर्नल जाके जब्त कर लेते हैं। एक तरफ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन लगातार मीटिंग करके अभी हम लोग निरंतर पटरी व्यवसायियों को 10,000 रुपया लोन दिलवा करके पटरी व्यवसायियों के, कि कोरोना काल में इनके अंदर सुधार आए। एक तरफ ये नगर निगम के कर्नल जाते हैं, पटरी व्यवसायियों का ठेला जब्त करते हैं, उनके ऊपर 500 से लेके 5,000 रुपये तक पेनाल्टी लगाते हैं, उनका ठेला पलट देते हैं। ये कहाँ का न्यायप्रिय है? वेंडर कमेटी में लगातार तय होता रहा है कि पटरी व्यवसायियों का जब तक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगा तब तक पटरी व्यवसायियों को नहीं उजाड़ा जाएगा। हर मीटिंग में यह तय होता है, तो जब यह तय होता है तो फिर किस तरीके से पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न किया जाता है? या तो प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं पे जो है नहीं है, इसका हम लोग निंदा करने आज सिटी मजिस्ट्रेट के महासाहब के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात रखी है और कर्नल के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की है और नगर निगम प्रशासन के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की है कि नगर आयुक्त को जब इस तरीके की व्यवस्था करेंगे तो किस तरीके से पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित व्यवस्था बनेगी। आज हमारा प्रमुख मांग है कि पटरी व्यवसायियों का नगर निगम प्रशासन द्वारा उत्पीड़न शोषण बंद किया जाए। हम पटरी व्यवसायियों को जब तक बसाया ना जाए तब तक हमें उजाड़ा ना जाए। नगर निगम द्वारा जो दुकानें बनाई गई हैं उसमें सबसे पहले पुराने पटरी व्यवसायियों को बसाया जाए। नगर निगम बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो पटरी व्यवसाय नहीं है उनको जाँच करके उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए और नगर निगम प्रशासन द्वारा जो लगातार पटरी व्यवसायों का उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई किया जाए, उसको तुरंत बंद किया जाए।